योगी सरकार ने चाइना को आईना दिखाते हुए बनारस के कांच के मोतियों के उद्योग को देश में ही नहीं बल्कि वैश्विक पटल तक पहुंचाया है। क्लस्टर बनने से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और कांच के मोती के उद्योग में 30% वृद्धि भी होगी। भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों की मांग बढ़ी, जिसमें पूर्वांचल के प्रमुख हस्तशिल्प बनारसी कांच की मोतियों की चमक वैश्विक पटल पर चमकती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य नक्षत्र के एक बूंद से सीप कीमती मोती में बदल जाती है, वैसे ही काशी में कांच से बनने वाली मोतियों के लिए स्वाति नक्षत्र की बूंद साबित हुई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, वाराणसी का नाम सुनते ही सबसे पहले यहाँ की बनारसी साड़ी जेहन में आती है। शायद कम ही लोगों को बनारसी मोतियों के बारे में पता हो, जो कमजोर कांच से तो बनती है लेकिन विदेशों में अपनी चमक से लोगों को चकाचौंध किए हुए है। कब से काम कर रही हैं यहाँ पे? काम कर रहे हैं 2010। यहाँ पे क्या वजह है, महिलाएं ज्यादा काम कर रही हैं पुरुषों? महिलाएं के काम में सब समस्या है, किसी के मान लीजिए कि पति का समस्या है, किसी के पारिवारिक टेंशन है, कोई मतलब घर से चला आया नहीं परिवार में बना, तो जब बाहर निकलने के बाद समस्या ये है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना, फिलहाल तो अपना ही पेट है, सबसे ज़्यादा दिक्कत है। तो अब अपने लिए या बच्चे के लिए तो कुछ करना ही है। अब इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके मतलब पति तलाक दिए हैं या मतलब पति नालायक है या मान लीजिए पीने खाने वाले हैं, और कुछ लोग ये है समस्या कि घर से मतलब थोड़ा असंतुष्ट है, आ गए हैं बाहर, नहीं वो बन पा रहा है प्राइवेट नौकरी में, पति से नहीं खर्चा संभाल पा रहा है, तो बाहर निकल। कितना सहारा बन रही है फैक्ट्री आप लोग महिलाओं के लिए? बहुत सहारा है सर, जानते हैं कि पास में न रहने पर 1 रुपये ही काफ़ी है, तो सहारा तो काफ़ी है। किस तरीके से सहारा है, कितनी कितना सहारा ये है कि घर से मान लीजिए हम लोग ये नहीं है तो ये मान के चलिए राशन भरा लिए, सब्जी का कर लिए, और कोई प्लस मतलब अपना भी खर्च ऐसा होता है कि जो कि कर सकते हैं, जो कि हमेशा पति से मांगना हर मतलब हर वक्त खड़े हैं हमेशा मांगें या कुछ करें, तो कुछ पास ऐसा होता है कि अपने पास मदद नहीं है तो अपना भी काम कर सकते हैं। बात कांच की मोतियों की जाए तो बनारस का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि बनारस अब सिल्क की साड़ियों से ही नहीं बल्कि कांच की मोतियों से भी जाना जाता है। बनारस में बनने वाले कांच के हस्तनिर्मित मोतियों का आकर्षण पूरे संसार में अपनी छटा को बिखेर रहा है। भारत ही नहीं दुनिया भर में इसके मुरीद हैं। ग्लास बीड्स का उत्पादन उत्तर प्रदेश में मुख्यतः बनारस, फिरोजाबाद और पुरदिल जो कि अब हाथरस नाम से भी जाना जाता है वहां पर होता है, और इसका निर्यात अमेरिका, यूरोप, ब्राजील, इटली, फ्रांस, जर्मनी, केन्या, कोलंबिया और यूके सहित दुनिया के 70 देशों में किया जाता है। वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में इन मोतियों की चमक और निखर रही है। GI पंजीकृत इस शिल्प को हस्तकला संकुल में शानदार डिस्प्ले के साथ प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ आने वाले खरीदार और शिल्प प्रेमियों को भी इन मोतियों की चमक भा रही है। लॉकडाउन की वजह से भी सारी फैक्ट्रियाँ नहीं खुली हैं, जो कि नहीं हो पा रहा है, नहीं बन पा रहा, दुकान पे भी ऑनलाइन सब बुकिंग करवा ले रहे हैं, अभी कोई दुकान में पहुँच ही नहीं रहा है। यहाँ पे भैया जी हैं तो उनके तरफ से छूट है यहाँ पे, इसलिए महिलाएं जो दूसरे जगह एडजस्ट की होगी इनकी संतुष्टि खाने के लिए आदमी कुछ करे। कोविड काल में क्या रहा, आप लोग को तनख्वाह मिलती रही, तनख्वाह कटी, राशन मिला? राशन मिला, मतलब तनख्वाह भी मिला, राशन भी मिला, फिर जब तक बैठाए थे, जब तक हम लोग बैठे थे तब तक घर से बुला के राशन मिला, जैसे कोई आ गया, कोई पड़ोस से आए, कोई फ़ोन यहाँ पे पहले से नंबर ले लिए थे मीटिंग के दिन, नंबर सब नहीं दिया यहाँ से लिखवा लिए थे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बगल से 2-4 लोग इस मोहल्ले से आ रहे हैं, मतलब इसी द्वारा से सबको करके बुला लिया गया जो बाहर निकल गए थे बाहर। डर लगा था कोविड काल में कि नौकरी जाएगी, तनख्वाह कटेगा, ऐसा कहीं भय था? लेकिन सब नसीब और ऊपर वाले के नाम छोड़ दिया गया था, ऊपर वाले जो करेंगे जो इसमें लिखा होगा वो तो कोई डाल नहीं सकता। हस्तनिर्मित कांच की मोतियों के कारोबार से बनारस के 10,000 परिवार जुड़े हुए हैं।
इसमें ग्लास बीड्स को मोती का स्वरूप देकर फैंसी माला के साथ साथ विभिन्न प्रकार के आकर्षक सजावटी सामान तैयार किए जाते हैं। बनारस में ग्लास बीड्स बनाने का काम परंपरागत ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस व्यवसाय से बड़ी संख्या में महिलाएं भी जुड़ी हैं। योगी सरकार में हैंडमेड ग्लास बीड्स का बनारस सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बन चुका है। शीशे से मोती बनाने का काम लगभग 200 वर्ष पुराना है। इसमें सजावटी सामान, ब्रेसलेट, हार, पर्दों और दीवारों में लगने वाले बीड्स आदि बनाए जाते हैं। चाइना और अमेरिका के बीच बढ़ती दूरियों में बनारस के प्रख्यात कांच की मोतियों से पूरी दुनिया प्रकाशित होती जा रही है। चाइना के उत्पादों का आयात शुल्क में 20% तक की वृद्धि कर दिए जाने से अमेरिकी देशों में जहां चीनी उत्पाद महंगे हो गए, तो वहीं भारतीय उत्पाद चीनी उत्पादों के अपेक्षा सस्ते हो गए हैं। योगी सरकार ने अपनी कूटनीतिक संजीवनी से कांच के मोतियों के उद्योग को बढ़ाकर ग्लास बीड्स पर हो रहे चाइना के कब्जों को रोक लिया है। कोरोना काल में जहां कई राज्यों के व्यापार की चाल धीमी हो गई थी, लोगों के रोजगार चले गए थे, वहीं काशी के कांच के मोती अपनी चमक बरकरार रखे हुए थे। वहीं सरकार भी इस उद्योग के उत्थान के लिए कई योजनाओं को मूर्त रूप देकर औद्योगिक विकास को गति देने की योजना पर काम कर रही है। वाराणसी के प्रमुख लघु उद्योग कांच की मोतियों का उत्पादन में वृद्धि हो और इस क्षेत्र में कारीगरों की संख्या बढ़े, इसके लिए कौशल विकास कार्यक्रम के तहत बनारसी मोती क्लस्टर योजना को तेजी से मूर्त रूप दिया जा रहा है। लगभग 50 करोड़ की लागत वाली इस योजना में सरकार 70% खर्च करेगी, बाकी 30% खर्च उद्योग से जुड़ी कंपनी करेगी। योगी जी मिशन शक्ति के तहत चला रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षित रहें। बनारसी मोतियों की चमक को वैश्विक बाजार में और बढ़ाने की योजना के तहत कांच की मोतियों के आभूषण को परंपरागत डिजाइनों के अत्याधुनिक रंग रूप देने के लिए कई अत्याधुनिक मशीनों को क्लस्टर में लाने की तैयारी है और इस पर कवायद भी शुरू हो चुकी है। वाराणसी के उद्योग विकास विभाग के संयुक्त आयुक्त उमेश सिंह ने बताया कि रोहनिया क्षेत्र के एक गांव को इस कार्य के लिए चुना गया है, जहां क्लस्टर योजना के लिए सेट तैयार कर दिया गया है और अपनी विधाएं आमंत्रित करने की तैयारी आखिरी दौर में चल रही है। उन्होंने बताया कि उद्योग के समूहबद्ध योजना के तहत वैश्विक बाजार में मांग के अनुरूप उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, तो वहीं पर ग्लास बीड्स के युवा निर्यातक सिद्धार्थ गुप्ता ने कहा कि हम लोग कोरोना से लड़ते हुए इस बार निर्यात लगभग 30% बढ़ाएंगे, जिससे कंपनी को ही नहीं बल्कि उससे जुड़े सभी लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार अवसर के साथ लाभ मिलेगा। युवाओं के लिए रोजगार की समय समस्याएं हैं, यहाँ पे रोजगार के अवसर कैसे हैं? व्यवसाय से जुड़े उद्यमी बताते हैं कि योगी सरकार के आने से इस उद्योग की गतिविधियों में बहुत तेजी आई है। इसके बनने से काफी निवेश आएगा, क्लस्टर बनने से करीब हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, कच्चा माल मिलेगा और ट्रेडिंग मिलेगी, जिससे हजारों लोगों को फायदा होगा।